हेलो एंड वेलकम टू ऑल टू दिस चैनल डियर स्टूडेंट्स। ए वीडियो रे हमें स्कूल्स गुडबाय चैप्टर रो प्रीवियस इयर्स एनुअल लॉन्ग क्वेश्चन विथ आंसर। प्रीवियस इयर पुराना वर्ष मानक मैट्रिक क्वेश्चन 2019 रु 2014 ए स्कूल्स गुडबाय चैप्टर रु को लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ी से क्वेश्चन आउ तार आंसर हमें ए वीडियो देखिबा। ए फाइल रो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे अवेलेबल अछि, तुम चाहिले ताको डाउनलोड करि परिबो। लास्ट वीडियो रे हमें ये चैप्टर पढ़ी से वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे अवेलेबल अच्छे किंबा ऊपर आई बटन क्लिक करके वीडियो को देखिपर। ताले लेट न करी हमें वीडियो स्टार्ट करिबा, किंतु वीडियो स्टार्ट करने पूर्व मोर तुमको गोटे छोटो रिक्वेस्ट, वीडियो को लास्ट चाहे देखी लाइक कमेंट आउ शेयर करिबो। जदि चैनल को फर्स्ट टाइम पे आसीछ सब्सक्राइब करिनो ताले सब्सक्राइब करी बेल बटन टिको मध्ये ऑन कर देबो, जाफलर मोर नुआ नुआ वीडियो नोटिफिकेशन तुम्हें पाई परिबो। ताले लेट न करी हमें वीडियो स्टार्ट करिबा। देख फास्ट क्वेश्चन लिखाई, क्वेश्चन गुडा आगे पढ़ी दूसरी बुझे दूसरी तापर आंसर देखा। देख फास्ट क्वेश्चन लिखाई, हाउ कैन द स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू लॉर्ड यूस्टिस पर्सी कीप देयर कैरेक्टर साउंड एंड स्ट्रॉन्ग। केमती लॉर्ड पर्सी को कहवा अनुसार छात्र छात्री मैंने से कैरेक्टर को साउंड आउ स्ट्रॉन्ग करें उत्तम बलिष्ठ करेंगे। यहाँ ये वर्ष बा 2019 आनुआल पढ़ी सेमती 2018 आनुआल भी सेम क्वेश्चन थी। देख हाउ अकॉर्डिंग टू लॉर्ड यूस्टिस पर्सी कैन यू कीप योर कैरेक्टर अंटार्निस्ट, केमती तुम्हें तुम कैरेक्टर को अंटार्निस्ट बा फ्री फ्रॉम एनी ब्लैक स्पॉट। आंसर पूरा एका 100% सिमिलर सेम क्वेश्चन रिपीट है। नंबर थ्री, हाउ अकॉर्डिंग टू लॉर्ड यूस्टिस पर्सी शुड स्टूडेंट स्पेंड देयर लीजर आवर्स, पिलामानर अवसर समय केमती अतिवाहित करेंगे। यहाँ 2017 आनुआल पड़ी। नंबर फोर, व्हाट डज लॉर्ड यूस्टिस पर्सी एडवाइज स्टूडेंट्स फॉर कीपिंग गुड हेल्थ, गुड हेल्थ केमती रखे से विषय में पड़ी 2016 आनुआल। नंबर फाइव, व्हाट अकॉर्डिंग टू लॉर्ड पर्सी शुड द स्टूडेंट्स टू बिल्ड द कैरेक्टर, कैरेक्टर बिल्ड कर कौन कर पड़ो। ये क्वेश्चन भी बारंबार तीन थर ये क्वेश्चन पड़ी 2015 आनुआल। नंबर सिक्स, हाउ अकॉर्डिंग टू लॉर्ड यूस्टिस पर्सी कैन वन अचीव सक्सेस इन लाइफ, यहाँ 2014 आनुआल पड़ी। तेणु 2019, 2018 आउ 2015 रे सेम क्वेश्चन पड़ी कैरेक्टर उपर, तेनाली वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आंसर सब देखा, देख फास्ट तीन टाक क्वेश्चन रनसर जेहेतु नंबर वन नंबर टू आउ नंबर फाइव सेम अच्छे मुझे गोटे जगार लिखी क्वेश्चन हमें पढ़ले केमती हमें कैरेक्टर को साउंड स्ट्रंग रखा आ कैरेक्टर को अंटार्निस्ट रखा निष्कलंक रखा। देख 2019 आनुआल जो क्वेश्चन पड़ता 18 आनुआल भी सेम क्वेश्चन 15 ये क्वेश्चन टी बारंबार पड़ी यार आंसर देखा। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड यूस्टिस पर्सी द स्टूडेंट सुड कीप देयर कैरेक्टर साउंड एंड स्ट्रॉन्ग बा अंटार्निस्ट जहाँ क्वेश्चन थी आम केमती रखा ना साउंड आउ स्ट्रंग रखा अंटार्निस्ट रखा निष्कलंक आज इट इज ए प्राइसलेस पोजिशन जेहेतु यहाँ आम अमूल्य अधिकार अमूल्य जिनस। द स्टूडेंट्स हाव टू बी ट्रुथफुल एंड कंसीडरेट टू एवरीबॉडी एंड फेयर टू देयर राइवल्स, दे शुड बी काइंड एंड हेल्पफुल टू द वीक एंड सफरिंग, दे शुड हाव करेज टू स्टैंड अप फॉर व्हाट इज गुड प्योर एंड नोबल, दे शुड अवॉइड गैम्बलिंग आज इट इज ए मीन गेम। बुझे अकॉर्डिंग टू लॉर्ड यूस्टिस पर्सी द स्टूडेंट्स शुड कीप देयर कैरेक्टर साउंड एंड स्ट्रॉन्ग आज इट इज ए प्राइसलेस पोजिशन, द स्टूडेंट्स हाव टू बी ट्रुथफुल एंड कन्सीडरेट सब ट्रुथफुल हाँ पड़ो और कन्सीडरेट विचारशील हाँ पड़ो टू एवरीबॉडी एंड फेयर टू देयर राइवल्स और प्रतिद्वंदी मान प्रति सचोट हाँ पड़ो, दे शुड बी काइंड एंड हेल्पफुल टू द वीक एंड सफरिंग से दयालु और साहयशील हे सब दुर्बल और जंत्रणा भोगुवा लोकों प्रति, दे शुड हाव करेज टू स्टैंड अप फॉर व्हाट इज गुड प्योर एंड नोबल, पाखे साहस थी सामना करने को सम्मुखीन होने जहाँ सत सचोट, दे शुड अवॉइड गैम्बलिंग आज इट इज ए मीन गेम गोटे सामान्य तुच्छ खेल मीन गेम गैम्बलिंग को अवॉइड करने पड़ो। ये आंसर तीन टाइम क्वेश्चन सरीगला बर्तमान। नंबर थ्री, देख हाउ अकॉर्डिंग टू लॉर्ड यूस्टिस पर्सी शुड स्टूडेंट स्पेंड देयर लीजर आवर्स, पिला लीजर आवर को कमी स्पेंड करेंगे। यहाँ 2017 मसीहा आनुआल क्वेश्चन यहाँ, द स्टूडेंट सुड स्पेंड देयर लीजर आवर्स बाय अवॉइडिंग आइडलिंग, द स्टूडेंट्स सुड स्पेंड देयर लीजर आवर्स बाय अवॉइडिंग आइडलिंग, अलस्वामी को दूर रखा पड़ो लीजर आवर्रे, दे शुड नॉट वेस्ट देयर लीजर इन आइडलनेस,
ସେମାନେ ଅଳପ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ ନାହିଁ, ନଷ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ। ଦେ ସୁଡ୍ ଫିଲ୍ ସଚ୍ ଆୱାର୍ସ ୱିଥ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହବିଜ୍। ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେ ସୁଡ୍ ଫିଲ୍ ସଚ୍ ଆୱାର୍ସ କେମିତି ସେମାନେ ସେ ସମୟକୁ ଅତିବାହିତ କରିବେ, ୱିଥ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହବିଜ୍, ରିଡିଂ ଗୁଡ୍ ବୁକ୍ସ, ୱିଥ୍ କମ୍ପାନିଅନ୍ସିପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆସୋସିଏସନ୍ସ ହ୍ୱିଚ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଓଭର୍ ଦେମ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଫର୍ ଗୁଡ୍। ଯାହା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। କ'ଣ କ'ଣ ନା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହବିଜ୍, ରିଡିଂ ଗୁଡ୍ ବୁକ୍ସ, ୱିଥ୍ କମ୍ପାନିଅନ୍ସିପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆସୋସିଏସନ୍ସ। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିକି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେବା। ଏଇ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଆସୋସିଏସନ୍ସ ହ୍ୱିଚ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଓଭର୍ ଦେମ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଫର୍ ଗୁଡ୍। ଏବଭ୍ ଅଲ୍ ଦେ ସୁଡ୍ ଆଭଏଡ୍ କିପିଙ୍ଗ ବ୍ୟାଡ୍ କମ୍ପାନୀ ବିକଜ୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ବାଏ ଦ କମ୍ପାନୀ ହି କିପ୍ସ। ବୁଝିହେଉଛି, ବ୍ୟାଡ୍ କମ୍ପାନୀ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବିକଜ୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ବାଏ ଦ କମ୍ପାନୀ ହି କିପ୍ସ। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ନମ୍ବର ଫୋର୍ ଦେଖିବା। 2016 ଆନୁଆଲ୍ରେ ଏଇଟା ପଡ଼ିଥିଲା। ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଲର୍ଡ ୟୁଷ୍ଟିସ୍ ପର୍ସି ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଫର୍ କିପିଙ୍ଗ ଗୁଡ୍ ହେଲ୍ଥ। ଗୁଡ୍ ହେଲ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଆମକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଲର୍ଡ ୟୁଷ୍ଟିସ୍ ପର୍ସି। ଆନ୍ସର୍ ପାରାଗ୍ରାଫ କରାହେଲା, ସକ୍ସେସ୍ ଇନ୍ ଲାଇଫ୍ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଲାର୍ଜଲି ଅନ୍ ଗୁଡ୍ ହେଲ୍ଥ। ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଜୀବନର ସଫଳତା ଅତିମାତ୍ରାରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଫର୍ କିପିଙ୍ଗ ଗୁଡ୍ ହେଲ୍ଥ ଦ ଅଥର୍ ଲର୍ଡ ୟୁଷ୍ଟିସ୍ ପର୍ସି ଆଡ଼ଭାଇଜେସ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଟୁ କିପ୍ ଦେୟାର ବଡି ଫିଟ୍ ବାଏ କ୍ଲିନିନେସ୍, ଫ୍ରେଶ୍ ଏୟାର, ରେଗୁଲାର ହାବିଟ୍, ସୁଇଟେବୁଲ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍, ଗେମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍। ଏଇଟା ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ୍ଲିନିନେସ୍, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ଫ୍ରେଶ୍ ଏୟାର, ସତେଜ ବାୟୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ରେଗୁଲାର ହାବିଟ୍ସ, ନିୟମିତ କିଛି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ସୁଇଟେବୁଲ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ସ, କିଛି ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ କରିବା, ଗେମ୍ ଖେଳିବା, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଖେଳିବା। ହି ଅଲ୍ସୋ ୱାନ୍ସ ଦେମ୍, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି, ଟୁ ଆଭଏଡ୍ ସ୍ମୋକିଂ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ, ଧୂମପାନ ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନଠାରୁ ଦୂରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ। ସ୍ମୋକିଂ ଇନ୍ ୟୁଥ୍ ଷ୍ଟଣ୍ଟସ୍ ଦି ବଡି ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାଉଡ୍ସ ଦି ବ୍ରେନ୍। ସ୍ମୋକିଂ ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ଷ୍ଟଣ୍ଟସ୍ କରିଦିଏ, ବୃଦ୍ଧିକୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିଦିଏ ଶରୀରର ଏବଂ ମନକୁ ବିଚଳିତ କରିଦିଏ। ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ଇଜ୍ ଦ ଡେଡ୍ଲି ଏନ୍ମି ଅଫ୍ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଏଫିସିଏନ୍ସି। ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାଂଘାତିକ ଶତ୍ରୁ ଆମ ହେଲ୍ଥ ଆଉ ଏଫିସିଏନ୍ସି ପାଇଁ। ବୁଝିହେଉଛି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆମର ଏଇ ବର୍ଷ ମାଟ୍ରିକ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ, ତାକୁ ମନେ ରଖିବା। ନମ୍ବର ସିକ୍ସ ଦେଖିବା, ହାଉ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଲର୍ଡ ୟୁଷ୍ଟିସ୍ ପର୍ସି କ୍ୟାନ୍ ୱାନ୍ ଆଚିଭ୍ ସକ୍ସେସ୍ ଇନ୍ ଲାଇଫ୍। ଜଣେ କେମିତି ସଫଳତା ହାସଲ କରିବ ଜୀବନରେ, ଏଇଟା 2014 ମସିହା ଆନୁଆଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆନ୍ସର୍, ସକ୍ସେସ୍ ଇନ୍ ଲାଇଫ୍ କମ୍ସ ଟୁ ଦୋଜ୍ ହୁ ୱାର୍କ ହାର୍ଡ଼ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଏଇଟା କହିଛନ୍ତି ଅଥର, ସକ୍ସେସ୍ ଇନ୍ ଲାଇଫ୍ ଆସିବ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ଏବଂ ଅଧିକ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲୁ ରଖିବେ। ଟୁ ଆଚିଭ୍ ସକ୍ସେସ୍ ଇନ୍ ଲାଇଫ୍ ୱାନ୍ ମଷ୍ଟ ଡେଭଲପ୍ ସମ୍ ଗୁଡ୍ କ୍ୱାଲିଟିଜ୍। କିଛି ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ଜଣକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଲାଇକ୍ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ, ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗୁଡ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଭଲ ଚରିତ୍ର ବା ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର, ପୋଲାଇଟ୍ ମ୍ୟାନର୍ସ, ଭଲ ଗୁଣ, ପଙ୍କ୍ଚୁଆଲିଟି, ସମୟାନିବର୍ତ୍ତିତା ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟୁଟିଫୁଲନେସ୍, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣତା। ୱାନ୍ ସୁଡ୍ ଆଭଏଡ୍ ସର୍ଟନ୍ ବ୍ୟାଡ୍ କ୍ୱାଲିଟି। ଜଣେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଖରାପ ଗୁଣକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବ ନିଜଠାରୁ, ସଚ୍ ଆଜ୍ ଗାମ୍ବ୍ଲିଂ, ସ୍ମୋକିଂ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ, ଜୁଆ ଖେଳ, ଧୂମପାନ ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନ। ଗାମ୍ବ୍ଲିଂ ଇଜ୍ ଏ ମିନ୍ ଗେମ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ତୁଚ୍ଛ ଖେଳ। ସ୍ମୋକିଂ ଇନ୍ ୟୁଥ୍ ଷ୍ଟଣ୍ଟସ୍ ଦି ବଡି ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାଉଡ୍ସ ଦି ବ୍ରେନ୍। ସ୍ମୋକିଂ ତା ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧିରେ ବାଧା ଦିଏ ଏବଂ ମନକୁ ବିଚଳିତ କରିଦିଏ। ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ଇଜ୍ ଦ ଡେଡ୍ଲି ଏନ୍ମି ଅଫ୍ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଏଫିସିଏନ୍ସି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟତାର ଗୋଟେ ସାଂଘାତିକ ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି ଡ୍ରିଙ୍କିଂ। ମନେ ରହିବ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ। ତା'ପରେ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିନେବା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆମର ଆସି ନାହିଁ, ତଥାପି ଆମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ମାତ୍ର 2 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖିଛି, ତୁମେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ଅଭର୍ ମଧ୍ୟ ଫଲୋ କରିପାରିବ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଲର୍ଡ ପର୍ସିସ୍ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଟୁ ଦ ସ୍କୁଲ୍ ଲିଭର୍ସ ଅନ୍ ଚୁଜିଂ ଏ ଟ୍ରେଡ୍ ଅର୍ ପ୍ରଫେସନ୍। ଟ୍ରେଡ୍ କିମ୍ବା ପ୍ରଫେସନ୍ ଚୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲର୍ଡ ପର୍ସିଙ୍କର ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କ'ଣ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏ ବର୍ଷ ଆସିପାରେ। ହୁ ସୁଡ୍ ୟୁ ସିକ୍ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ଅନେବୁଲ୍ ଟୁ ଡିସାଇଡ୍ ଅନ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ପ୍ରଫେସନ୍। ଯଦି ତୁମେ ରାଇଟ୍ ପ୍ରଫେସନ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରିବାକୁ ଅନେବୁଲ୍ ହେଉଛ, ଅସମର୍ଥ ହେଉଛ, ଭଲ ପ୍ରଫେସନ୍ ବାଛିପାରୁନ, ତାହେଲେ ତୁମେ କାହାର ପରାମର୍ଶ ନେବ, କାହା ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଏ ବିଷୟରେ। ତେଣୁ 2 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିଛେ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଲର୍ଡ ୟୁଷ୍ଟିସ୍ ପର୍ସି। ଆନ୍ସର୍ ଦେଖ, ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଲର୍ଡ ୟୁଷ୍ଟିସ୍ ପର୍ସି, ୟୁଷ୍ଟିସ୍ ପର୍ସିଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସ୍କୁଲ୍ ଲିଭର୍ ଯିଏକି ସ୍କୁଲ୍ ଛାଡ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ୱିଲ୍ ଭେରି ସୁନ୍ ରିକ୍ୱାୟାର୍ ଟୁ ଚୁଜ୍ ଏ ଟ୍ରେଡ୍ ଅର୍ ପ୍ରଫେସନ୍। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଫେସନ୍, ବୃତ୍ତି ବା ବ୍ୟବସାୟ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟେ ଏମ୍ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଲକ୍ଷ୍ୟ। ହି ସୁଡ୍ ଚୁଜ୍ ଇଟ୍ ୱିଥ୍ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ କେୟାର୍, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହି ସୁଡ୍ ଚୁଜ୍ ଇଟ୍ ୱିଥ୍ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ କେୟାର୍, ଅତିକ ଯତ୍ନର ସହିତ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହି ସୁଡ୍ ନଟ୍ ଚୁଜ୍ ଏନି ଅକୁପେସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲିଡ୍ସ ହିମ୍ ନୋ ହୋୟର୍, ଯେଉଁ ଅକୁପେସନ୍ ତାକୁ ଆଗକୁ ନେବ ନାହିଁ, କେଉଁଠି ଅଗ୍ରଣୀ ହେଉନଥିବ, ସେ ଅକୁପେସନ୍କୁ ସେ ଆଭଏଡ୍ କରିବ, ତାକୁ ବାଛିବ ନାହିଁ।
ही सुड एम आट आन अकुपेसन हुई आज द प्रमिश अफ आन इंटरेस्टिंग एंड हापी फ्यूचर से सेमती अकुपेसन को लक्ष्य कर वृत्ति को जहाँ तक भविष्य में आग्रह लगुव खुशी प्रदान कर इन फ्यूचर जानी हूँ ये पाराग्राफ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो थी हु शुड यू सिक आडभाइस इफ यू आर अनेबल टू डिसाइड ऑन द राइट प्रोफेशन से क्वेश्चन आंसर बर्तमान लिखा इफ यू आर अनेबल टू डिसाइड ऑन द राइट प्रोफेशन वी शुड सिक द आडभाइस फ्रम वन ऑफ आवर टीचर्स आम जब किसी प्रोब्लेम पड़े डिसाइड कला बेल असुविधा होमर कार सिक कर आडभाइस ना वी शुड सिक द आडभाइस फ्रम आवर वन ऑफ आवर टीचर्स आम सार मानक जन आडभाइस मानवाक पड़ो बिकज नो वन कैन गिव बेटर काउनसलिंग दैन ए टीचर आ टीचर नोज बेटर देन अस आम ठारूँ शिक्षक भल भाव जानते तेणु आम पचार जाणी हूँ वेरी सिंपल आंसर नंबर एट ह्वाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग स्मोकिंग आउ ड्रिंकिंग हार्मफुल इफेक्ट क्वेश्चन लिखा बहुत आंसर देखा स्मोकिंग इज नो डाउट इंजुरीयस टू हेल्थ स्मोकिंग आम जे इंजुरीयस ए सन्देह ना इट स्टंट्स द बॉडी एंड क्लाउड्स द ब्रेन यह आम शरीर को कौन करे ना वृद्धि बाधा दिए और मन को विचलित करदिए आम जाचे इट इज हार्मफुल टू बोथ आवर बॉडी एंड माइंड यह उभय शरीर और मन पर हार्मफुल ड्रिंकिंग इज एक्सट्रीमली हार्मफुल टू हेल्थ ड्रिंकिंग मद्यपान बहुत क्षतिकारक शरीर पर इट रुइन्स हेल्थ एंड रिड्यूसेस एफिशिएंसी शरीर क्षति करे और वृद्धि योग्यता को कमाई दिए सो इट इज कॉल्ड द डेडली एनमी ऑफ हेल्थ एंड एफिशिएंसी तेणु आपको आम ड्रिंकिंग को डेडली एनमी बोली कहू सांघातिक बा परम शत्रु बोली कहू आम हेल्थ आउ एफिशिएंसी रो ताले मोटरे आठटी क्वेश्चन रो आंसर आम जानले तीनोटी क्वेश्चन सेम अच्छे जहाँ हूँ बहुत छोटे चैप्टर थिला से चैप्टर रो बहुत लॉन्ग क्वेश्चन बेसी ना तथा जितकी अच्छे आम लिखा परीक्षा ये चैप्टर लिखले भल नंबर पाइब बोली मुझे आगुरी कही तुमको पाँच मार्क क्वेश्चन आम सियोर अटेंड करवा ये सब क्वेश्चन प्राक्टिस कर दिव देख ये सब क्वेश्चन ही तुम एग्जाम आवेलेबल थी ये फाइल पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स अवेलेबल अच्छे चैनल डाउनलोड कर दियो वीडियो को शेयर करो कमेंट करो लाइक करो यदि चैनल को फर्स्ट टाइम आसो तो सब्सक्राइब करो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।